एंड इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी ए मीन्स वर्क डन फॉर द क्लोज पार्ट ए टू बी एंड बी टू ए, यानी दिस इज अनदर डेफिनेशन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स. इफ वर्क डन फॉर द क्लोज पाथ इज जीरो देन वी कैन से फोर्स इज कंजर्वेटिव, फोर्स इज कंजर्वेटिव, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर. फिर दोबारा बेटा आपको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज कंजर्वेटिव फोर्सेज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्सेज आर दोज फोर्सेज इन विच वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल फाइनल पोजिशन, नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड. सो एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफ वी मूव द चार्ज फ्रॉम क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन विल बी दिस वन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट. सिमिलरली ए टू बी डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट. टोटल वर्क डन दोनों का सम करेंगे राइट साइड जीरो हो जाएगा. सो नेट वर्क डन हो जाएगा ए टू बी एंड बी टू ए दैट इज फॉर द क्लोज पाथ. फॉर क्लोज पाथ इफ वर्क डन इज जीरो वी कैन से फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर. बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, किसी बच्चे का है रिक्वायरमेंट, वीडियो इज नॉट क्लियर, कोई नहीं, इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेगा. किसी वजह से आपको यदि नहीं मिल पा रहा है, राइट, दिस इज नॉट मीन सम बेटा, दिस इज द टोटल वर्क डन फॉर द क्लोज पाथ. अनुज दिस इज टोटल वर्क डन फॉर द क्लोज पाथ. नाउ अनदर पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा कि स्टेटमेंट है, सच ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. सच ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. सपोज हमें ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के लिए आप ड्रॉ करें इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा दिस वन, मींस चार्ज कंसीडर्ड एज द सेंटर. इफ वी ड्रॉ ए स्फीयर एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर पोटेंशियल विल बी सेम. एंड हाउ मच दैट वन दैट इफ रेडियस इज आर इट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर. सिमिलरली अनदर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द सेम इज दिस वन, और आपको ड्रॉ करना है ये और ड्रॉ करना है ये. व्हाट इट मींस? इट मींस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज दे रिप्रेजेंट ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, दे रिप्रेजेंट ए इक्विपोटेंशियल सरफेस. सपोज अपन को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे रिप्रेजेंट होता है बेटा? इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी सरफेस विच आर हेल्ड नॉर्मल टू द फील्ड लाइन, नॉर्मल टू द फील्ड लाइन. यहां पर भी नॉर्मल था बेटा, फील्ड लाइन तो ये थी आपके पास ऑन द सरफेस लाइक दिस वन, रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड सरफेस इज नॉर्मल. सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस These are the planes held normal to the plane of the board if electric field in the plane of the board. This is again
वीडियो इज नॉट क्लियर। बेटा ये वीडियो सभी को क्लियर नहीं मिल रही क्या? हेलो, वीडियो सबको क्लियर नहीं है क्या भाई? कुछ जतिन, गरिमा, प्रेरणा, प्रेरणा को नहीं है, तन्नु को क्लियर है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, नो प्रॉब्लम, आप जो है ना कोई बात नहीं, बीच में आ जाएगा, फिर भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो इसका मिलेगा। ओके अनुज, यस बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, सच ए सरफेस विच इज और एट एवरी पॉइंट ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम। अब हमने ड्रॉ करना है, जैसे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, दे रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दिस सरफेस 1, 2 and 3 विच आर हेल्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सो दिस वन इज अबाउट द, और इफ वी हैव टू ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस वन इज द डाइपोल, दिस वन इज डाइपोल, ये आपके पास है बेटा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, दिस वन, दिस वन, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्वेश्चन इसमें यही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रा द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, आपको देगा जैसे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल या ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट वन अबाउट द सीबीएसई या सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। So let us consider these are the equipotential surfaces and at any point P, this one is the electric field, you know, normal to the equipotential surface. Let us consider we displace a charge through the small between this one and this one. Suppose this potential V, this one is V plus delta V. So potential difference between them is electric field line always toward decreasing potential. So it will be V minus delta V. Suppose theta is the angle and we displace the charge from this to this, yani this surface to this surface. So what about the work done? We know work done is equal to potential difference into charge, into charge. So small amount of work done is equal to minus Q naught into delta V. Negative sign indicates that charge is moving towards the decreasing potential, towards the decreasing potential. Another method for the measurement of the work done, that one is again work done is equal to F dot dr. F ko kya likhoge beta? Tau naught E dot dr. इसको क्या लिखोगे? ई डी आर कोस थीटा, ई डी आर कोस थीटा, दिस वन इज द वर्क डन
by definition, force into displacement in electrostatic force या coulomb force is Q naught E into dr, Q naught scalar quantity as it is, E dot dr is E dr cos theta. Equate the equation 1 and 2, you will observe Q naught E cos theta into dr is equal to minus Q naught delta V. Q naught cancel हुआ बेटा, E cos theta को हम कह देंगे component of E along the direction of motion, that is EX या ER, which is equal to minus delta V by delta R, or E equal to minus dV by dr. What does this term represent? This represent potential gradient. 11th में मैंने आपको बताया था बेटा, 11th में, कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन वैक्टर डिफ्रेंशिएट करें, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये एग्जैक्टली सिमिलर है ग्रेविटेशन में, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस. दोबारा हमें रिलेशन बताना है ई और वी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में. क्या कंसिडर किया? सपोज दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो दिस इज क्लोज टू द चार्ज, हायर पोटेंशियल, लोअर लोअर, आगे जाएंगे कम होता जाएगा. इट मीन्स इफ ए चार्ज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वन, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस विच इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू इज डी आर, वट अबाउट द वर्क डन? एक तो बेटा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज. बेटा नेगेटिव चार्ज क्यों, नेगेटिव साइन क्यों आया? नेगेटिव साइन इसलिए आया, ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये कम है, तो कम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा. या आप ये कह सकते हैं वी आर मूविंग टुवार्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, वी आर मूविंग टुवार्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, दैट्स व्हाई डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डेल्टा वी, इक्वेशन नंबर 1. बाय डेफिनेशन वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट क्यू नॉट ई डी आर, क्यू नॉट ई डी आर कोस थीटा. ई कोस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो दैट इज ई आर विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, और सिंपली वी कैन से ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर. मीन्स नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या था बेटा? That is Newton per coulomb. Newton per coulomb. Here another unit V for volt. This for meter. So it is also measured as volt per meter. Most important question, beta. SI unit of electric field intensity. Volt per meter. Question आपसे पूछा जाता है. Volt per meter represent which physical quantity? Whether it is vector or a scalar. तो अपन क्या बताएंगे? This represent electric field intensity and it is a vector quantity. It is a vector quantity. This one is about the electric relation between E and V. E and V. Right? तो ये आपके पास है. नेक्स्ट आपके पास है, दैट वन इज है
ललित दलाल अपना माइक ऑफ करो बेटा, और किसी भी बच्चे के पास यदि डायरेक्ट मैसेज आते हैं तो हमें तुरंत बताएं, उसको हम तभी क्या नाम है ग्रुप से बाहर कर देंगे। कल शिकायत आया था किसी बच्चे ने, और ये आप ध्यान रहे, नो डाउट आप जवान हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको लगता है आपकी सोच ये है कि आईटी में आप एक्सपर्ट हैं, होना चाहिए, बट बेटा आपसे भी इंटेलिजेंट है। यदि कोई भी बच्चा ऐसी गलत हरकत में मिलता है उसको एकेडमी से तो बाहर किया ही किया जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। बिल्कुल भी, ये कोविड के टाइम में आप लोग घर पे सेफ बैठे हैं, हम लोग आप लोगों के लिए स्कूल में आकर के बनाने लग रहे हैं, आपको पता है कितनी हर्डल से निकल के आना पड़ता है। हाँ कोई बात नहीं, ये कोई किसी पे कंपल्सन नहीं है, कोई बच्चा नहीं करना चाह रहा है कोई बात नहीं, वो वीडियो देखे ऑनलाइन, उसको मजा नहीं आ रहा है तो। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एकेडमी जो है, स्कूल जो है, वो आपके मजे के लिए नहीं है। आपने इसको अच्छा लगे वैलेंट को, अच्छा ना लगे आप बाकी को डिस्टर्ब ना करें बेटा, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपको अच्छा लगे वेल एंड गुड, अच्छा ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या समझ नहीं आया भाई? मानसी क्या समझ नहीं आया बोलिए। अरे क्या समझ में नहीं आया? एनसी का मुझे मतलब नहीं मालूम, नोट क्लियर क्या साउंड? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं होता क्या? हेलो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, दिस इज द एसआई यूनिट। अभी आपने निकाला ही इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीआर, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वोल्ट पर मीटर नहीं लिख दूं क्या? मानसी समझ में आया क्या? ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट वन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन, इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। सपोज वी हैव टू ब्रिंग ए चार्ज Q1 एट पॉइंट दिस, यानी पॉइंट ए, वट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन? दैट विल बी जीरो, रीजन बींग नो अदर फोर्सेज आर देयर, और यू आर टेकिंग ए सिंगल चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, अमाउंट ऑफ वर्क डन, नो वर्क इज डन, मीन्स वर्क डन विल बी जीरो। इफ अनदर चार्ज Q2 is taking from infinity to B, then you must have to do work. Reason being, here the electric field or Q1 is there. So what will be the amount of work done? Exactly similar that of the concept of electric potential. Work done will be equal to, work done will be equal to how much? K Q1 Q2 by R. K Q1 Q2 by R, and this work done will appears in the form of energy called electric potential energy. अपन को यदि ये डिराइव करना पड़े, सेम कॉन्सेप्ट बेटा, जब हम चार्ज को लेके आएंगे इंफिनिटी से, वेरिएबल फोर्स लगता है, एट एनी इंस्टेंट P पॉइंट पे है, जिसका डिस्टेंस x है, हाउ मच फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, दैट इज K Q1 Q2 by x2। Suppose P2 Q, small displacement dx है,
सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स दैट इज के क्यू वन क्यू टू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, कहाँ से लाए हैं, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाए हैं, बी तक। सो डिस्टेंस या वैल्यू ऑफ एक्स इज इन्फिनिटी टू आर, ये हो जाएगा। और वर्क डन बेटा सॉरी, यहाँ पे वर्क डन आएगा नेगेटिव, क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो वैल्यू आ जाएगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन एक्स, क्योंकि वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स, माइनस माइनस प्लस, दैट बिकम्स दिस लिमिट इन्फिनिटी टू आर। सो नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। दिस वर्क डन अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। साहिल को कर इसको यहां से आउट। ये साहिल कौन है भाई, साहिल को ढूंढ एक बार। साहिल, ये साहिल जो है पर्टिकुलरली बॉयज को मेरी तरफ से डायरेक्शन है, साहिल का जो है ना पहले भी कल भी मैसेजेज आया था, डायरेक्ट मैसेजेज, इसको बोलो इसको क्या नाम है, ये बदतमीजी ना करे जो भी, क्योंकि बाहर का बच्चा जो है ना बगैर क्लास के बच्चों के लिंक सेंड किए बगैर वो इसमें नहीं आ सकता। तो कल वो आपकी मीटिंग में था, आज वो मैसेजेज कर रहा है। ओके बेटा देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट वन इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। फर्स्ट वी टेक चार्ज Q1 फ्रॉम इनफिनिटी टू A, नो वर्क विल बी डन, रीजन बीइंग नो अदर चार्ज इज देयर। बट इफ वी टेक अदर चार्ज देन वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तीसरा चार्ज लेके आएंगे फिर इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, राइट। तो हाउ मच वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ये कहां से आया था, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। कैसे डिराइव किया था, सपोज पी पॉइंट एट ए डिस्टेंस एक्स, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ, एक डॉक्टर चेक करिए ये साहिल है कोई, ये अब इसमें तो नहीं है मीटिंग में, लेकिन इंस्टा पे भेज रहा है मैसेजेस, इंस्टाग्राम ओपन ले मेरे फोन में कर ले विजय, इसमें इंस्टा ओपन करके चेक कर इसको कौन है अपने। सो दिस वन इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Suppose there are more than two charge. Suppose these are the charges Q1, Q2, Q3 at point A, B, C. We have to find the electric potential energy. Beta, electric potential energy आपके पास आएगी 1, 2 का, 1, 3 का और 2, 3 का, राइट। व्हाट अबाउट U12, सपोज दिस वन इज आर, दिस वन आर, दिस वन, सपोज दिस वन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट अबाउट U12 के Q1 Q2 अपॉन आर, U13 के Q1 Q3 अपॉन आर, व्हाट अबाउट U3 दैट इज के Q2 Q3 अपॉन आर, के बाई आर इज कॉमन, दैट इज Q1 Q2 Q1 Q3 एंड Q2 Q3। दिस विल बी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस थ्री पेयर ऑफ चार्जेस।
क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री। सिंपली एनी टू चार्जेस का यदि हमें लेना है क्यू वन क्यू टू डिस्टेंसेज आर व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट बिकम्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ध्यान रखिएगा दिस इज वर्क डन एंड वर्क यू नो स्केलर क्वांटिटी। साइन चार्जेस का मैटर करेगा। सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, दोनों नेगेटिव चार्ज है तब भी पॉजिटिव आएगी, बट इफ वन इज पॉजिटिव सेकेंड इज नेगेटिव तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा नेगेटिव, राइट। साइन कन्वेंशन हम कहाँ लेते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, स्केलर में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर्स हैं उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन अपन निकाल लेते हैं। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, सपोज दिस इज द चार्ज क्यू, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट बिकम्स के क्यू बाई आर स्क्वायर। सपोज चार्ज इज माइनस क्यू, अगेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम मीन्स मैग्नीट्यूड, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, नेगेटिव में तो बेटा टुवार्ड्स द चार्ज आएगी, और यदि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अब हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। 3 मिनट। सो दिस वन इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस अभी आपने निकाला, दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, बट इफ इफ दीज टू सिस्टम ऑफ चार्जेस आर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, देन व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो बनेगा बेटा सपोज चार्जेस एट ए एंड बी हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वन एंड आर टू, इन दैट केस इट बिकम्स क्यू वन वी ए प्लस क्यू टू वी बी प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर। यानी कि इनके दोनों के सेपरेशन का तो ये है ही है, दो पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाएंगी यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है तो, राइट। तो आज आपने इसका न्यूमेरिकल करना है और थ्योरी को कंप्लीट आपने कवर करना है, कल हम डिस्कस करेंगे बेटा कैपेसिटेंस, राइट। और ये आपसे फिर दोबारा टाइम कहाँ भाई, फिर आपको रिक्वेस्ट है क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, कोई भी बच्चा ज्यादा समझदार ना बने, नो डाउट आपको टेक्नोलॉजी का मालूम है लेकिन आप ये मान के चलो आपसे भी इंटेलिजेंट लोग हैं, मुझे कम आती है नो डाउट, लेकिन मैं किसी दूसरे एक्सपर्ट से ये चीजें निकलवा लूंगा, तो आपके पास लास्ट में कुछ नहीं होता सिवाय इसके नहीं सर बच्चे हैं गलती हो गई, नो ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर मिस्टेक है, इट्स वार्निंग टू ऑल ऑफ यू, नो कैंडिडेट विल ट्रांसफर द व्हाट्सएप यू कैन से टू अनदर स्टूडेंट, राइट। और गूगल की आईडी अपनी बनाए, गूगल क्लास में जो है ना वो स्टार्ट किया जाएगा जल्द से जल्द, तो आप विद इन टू डे जल्दी से जल्दी अपना आईडी बनाए और अपने मोबाइल में गूगल ऐप गूगल मीट